कुछ लोग गाड़ियों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक दो तीन चार नहीं भैया, कितनी सारी गाड़ी होगी आपके पास? चार है मेरे पास। चार हो गए इनके पास। और पिछली बार जब मिले थे ना तो इनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, नेक्सॉन ईवी के भी ऑनर रहे हैं, और एक कौन सा अपने पास वॉल्वो S90 उसका भी कस्टमर रिव्यू इनके साथ कर चुका हूँ। इसके बाद बोले थे कि इनके पास MG की ZS EV आने वाली है, तो भैया क्या हुआ कि नहीं आई वो ZS EV? एक तो अवेलेबल नहीं थी, पहले मेरा उनसे बात हुआ था तो उन्होंने बोला था हम सितंबर में डिलीवर कर देंगे, फिर मेरे घर में एक मिसहैपनिंग हो गई तो इस वजह से मुझे डिले करना पड़ा। फिर जब दिसंबर में मैं गाड़ी लेने गया तो उनके पास गाड़ी नहीं थी, और मैं अपनी एग्जिस्टिंग कार को मैं सेल कर चुका था तो मेरे को भी एक कन्वीनियंस चाहिए था आने जाने के लिए। तो आपके पास नेक्सॉन ईवी तो थी? नेक्सॉन ईवी हमारे घर में चार गाड़ियाँ, चारों गाड़ियाँ सबके यूज़ में आती हैं, तो एक गाड़ी का भी रुक जाना तो हमारे डेली वर्क में स्लो डाउन लाता है। तो एक चीज बताओ, आपने ये खरीद लिया, क्या नाम है इसका? स्कोडा कुशाक। क्यों खरीदा? सर उस टाइम पे मेरे को एक कॉम्पैक्ट SUV चाहिए थी सिटी के अंदर चलाने के लिए। दूसरी चीज़, फिर मैंने बहुत सारी गाड़ियों का ट्राई लिया, मैंने क्रेटा ट्राई किया, सेल्टोस ट्राई किया, कुशाक ट्राई किया, हेक्टर ट्राई किया, तो एक जो पंच था ना गाड़ी के अंदर, जो एक चला के आता है कि हाँ यही गाड़ी हमारे लिए फिट है, तो वो मेरे को 1.5 लीटर कुशाक में आया। तो आपने टाइगन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि फॉक्सवैगन की टाइगन शायद इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्वालिटी दे। टाइगन के अंदर 1.5 लीटर इंजन में ये वेरिएंट, जितने फीचर्स इस वेरिएंट के अंदर आते हैं ये एक्चुअली कंपेरेबल वेरिएंट भी अवेलेबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहीं पूरा नहीं करते हैं वीडियो को, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसके बाद में इनके और वो सारे ओपिनियन जानेंगे जिन्होंने कुशाक के साथ जिए हैं और कितना चलाया है, क्यों खरीदा, इस पर भी फिर से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं अभिषेक भाई के साथ उनके कुशाक में आ गया हूँ और अच्छा लगता है बोलते बोलते, मुझे लगता है कि इंडिया की सारी गाड़ियाँ भैया ही खरीद लेंगे। हाँ जी भाई, ऐसा लग रहा है? हो सकता है एक दिन अगर ये सपना सच हो जाए। तो इतनी मतलब जैसे आपने ये चूज किया था, आप बोल रहे थे कि अब आप सिर्फ इलेक्ट्रिक पे जाओगे, तो इलेक्ट्रिक क्यों छोड़ दी? जैसे आप बता रहे थे कि मिली नहीं, वो वही वजह थी या रियल वजह कुछ और थी? दूसरी वजह ये थी कि मेरे रनिंग बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, मेरे को एक जगह से दूसरा जगह, फिर सिटी के अंदर जो ट्रैफिक आने लगा है, मेरा पर डे रनिंग 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है। अब एक साथ में 2 EVs को घर पे अपने चार्ज नहीं कर पाया कर सकता, तो इस वजह से मेरे को एक पेट्रोल पे स्विच करना पड़ा। अभी जब आपने इसे चूज किया तो आपको लगता है कि इसमें आपको जर्मन क्वालिटी मिली जो आप चाह रहे थे? जो क्वालिटी स्कोडा से एक्सपेक्टेड है वो तो नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन करते अपने सेगमेंट में तो एट पार है, तो मेरे को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा इसमें कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या रही जिसकी वजह से आपने इसे आग बंद करके चूज कर लिया? इसका जो पावर डिलीवरी और रिफाइनमेंट इंजन का, उस वजह से ये गाड़ी मैंने चूज करी थी। तो आपने जब टेस्ट करने गए थे तो आपने टिगुआन भी, टाइगन भी देखी थी या फिर इसे ही ले लिया था? टाइगन भी देखी थी बट टाइगन चलाया था, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों गाड़ियाँ, थोड़ा सा टाइगन का रिस्पांस इज बेटर देन कुशाक, बट टाइगन के साथ क्या था कि जो टॉप एंड वेरिएंट स्टाइल वेरिएंट कुशाक में अवेलेबल है तो उसका कोई लेवल वेरिएंट टाइगन में 1.5 लीटर में अवेलेबल नहीं है। अभी तक आप इसे कितना चला चुके हैं? ये चल चुकी है 1560 किलोमीटर। माइलेज क्या मिल रहा है? क्लोजली 14 किलोमीटर। और इसमें आपको एक टेक्नोलॉजी मिलती है एक्टिव सिलेंडर वाली, हाँ। है उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसा, हाँ। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको लगता है कि आज के टाइम की ये डिमांड है और कंपनियों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब आप जैसे हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम ऐसा होता है जब हाईवे पे गाड़ी चलाता हूं तो क्रूज कंट्रोल ऑन कर देता हूं, तो 75 पे मेरे को ना तो एक्सेलरेट करना ना डीएक्सेलरेट करना, तो उस केस में मेरे लिए वो बहुत फायदेमंद चीज है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक अच्छा चीज़ है। आपको इसमें सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है उसके अलावा? उसके अलावा इसका DSG गियरबॉक्स। अच्छा,
तो अभी आपने इसे कहाँ कहाँ चलाया है, ये थोड़ा बताइए पहले। मैं यमन एक्सप्रेस वे पे इसको चला चुका हूँ, सिटी के अंदर ही ज्यादातर ये गाड़ी अभी तक चलती है, सिटी के अंदर। हाँ, क्योंकि अभी एक ही महीना हुआ है इस गाड़ी को। कोई आपको ऐसा इशू आया जो आपने फेस किया हो, जिसकी वजह से लगा कि आपने इसे खरीद कर गलती की है? थोड़ा सा इसके अंदर एक साउंड इशू आता है बॉडी से, जैसे रैटलिंग नॉइजेस हैं। सो मैंने स्कोडा पे कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वो चीज स्कोडा के साथ तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए थी। मैं मारुति में एक्सपेक्ट कर सकता था कि ये चीजें होती हैं, बट स्कोडा में नहीं होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे आए थे रैटलिंग साउंड? डैशबोर्ड में। तो ये कितना टाइम लग गया उनको रेक्टिफाई करने में और सॉर्ट आउट होने में? सेम डे। सेम डे। तो आप मतलब इसका फर्स्ट सर्विस भी आपने फर्स्ट चेकअप वाला सर्विस वो करवाया होगा? फर्स्ट चेकअप सर्विस इज एट 15,000 किलोमीटर। अच्छा, तो भी कुछ नहीं है इसमें, आपने सिर्फ उसके लिए जाना पड़ा। हाँ। आपको जो डील मिली थी कितने में पड़ गई थी एग्जैक्टली वाली गाड़ी? ये मेरे को 19 में पड़ी थी। 19 लाख में। आपको लगता है कि जस्टिफाइड है 19 लाख में? हाँ, जस्टिफाइड है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ MG ZA CV तो वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 28 लाख रुपीस कॉस्ट कर रहा था। अच्छा। सो अगर मैं प्राइस कंपेयर करता, सो 9 लाख रुपए का पेट्रोल मैं कब तक स्पेंड कर पाता? तो 9 लाख के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो 9 लाख का पेट्रोल खर्च करने में मेरे को कम से कम 4 साल लगेंगे। अच्छा, इस सेगमेंट में जो और गाड़ियां थी, जो क्रेटा हो गया, आपने क्रेटा क्यों छोड़ दी, आपने सेल्टोस क्यों छोड़ दी, और इसके अलावा टाइगन तो आपने बता दिया, चलो बात समझ आता है। क्रेटा एक तो बहुत कॉमन हो चुकी है। दूसरी चीज, अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं क्रेटा में फीचर्स ज्यादा देने की वजह से क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है। जैसे मेरे फैमिली में भी एक क्रेटा है, मेरे कजन के पास है, सो मैंने वो गाड़ी चलाई, तो कहीं ना कहीं मुझे इसके मुकाबले वो गाड़ी थोड़ा सा डाउनग्रेड लगती है। अच्छा, थोड़ा डाउनग्रेड लगती है। डाउनग्रेड लगती है। कंफर्ट की अगर बात करें तो आपको इसमें कितना कंफर्ट मिल रहा है? सर, कंफर्ट लेवल इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। मतलब मैंने सिंगल डे में 400 किलोमीटर इसको ड्राइव किया था, तो मेरे को कहीं भी इशू आया नहीं था कि मैं गाड़ी में थक गया हूँ, या कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी मेरे को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जो मैं करवाना चाहता हूँ इससे। अच्छा, रियर सीट का कम्फर्ट कैसा है? आपकी फैमिली बैठी होगी तो थोड़ा सा बताइए। रियर सीट कम्फर्ट अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा फैमिली ने इसमें, क्योंकि जनरली मैं चलता हूँ और मेरी वाइफ इसमें साथ चलती है, बस इससे ज़्यादा अभी तक इसमें इतना ट्रैवलिंग हुआ नहीं। अच्छा, पैनामिक सनरूफ मिलता है और गाड़ियों में, तो उम्मीद कर रहे हो इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल सनरूफ? सर, हमारी सिटी कंडीशन ही नहीं है कि आप सनरूफ यूज़ करो, तो मैं मिस नहीं करता। बट एक चीज़ मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, सनरूफ भी एक सेफ्टी फीचर होता है, इनकेस गाड़ी अगर आपकी कहीं फ्लड में फंस जाए एंड योर पावर विंडोज आर नॉट वर्किंग, तो अगर आपका पानी का लेवल साइड विंडोज तक आ जाए, देन यू कैन एस्केप थ्रू ब्रेकिंग द ग्लास ऑफ सनरूफ। अच्छा, दैट्स द बिग एडवांटेज ऑफ सनरूफ। सो मेरे को एटलीस्ट हर गाड़ी में अपना सनरूफ चाहिए। अच्छा, इस वजह से आपको तो आपकी अपना आपका अपना ये पूरा मेरा ओपिनियन नजरिया है। आपको लग रहा है कि जो स्कोडा का सर्विस नेटवर्क है, जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, जिस तरीके से फिर से वो बसा रहे हैं, वो भरोसा देता है और अभी भी डर लगता है? अब तो मेरे हिसाब से सर हर कंपनी बहुत कॉम्पिटेटिव हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सर्विस को लेकर, सेल्स को लेकर हर कंपनी ही कॉम्पिटेटिव है, तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं इशू आएगा सर्विस को लेकर। आप गाजियाबाद में रहते हो, सर्विस करवाने कहाँ जाना पड़ता है आपको? नोएडा। तो मतलब आपके लिए फिर भी नोएडा जाना भी मतलब बहुत दूर नहीं है, फिर भी मन करता है ना कि अगर गाजियाबाद में होता तो अच्छा रहता, अगर आपके पास मारुति होती, ह्यूंडई होता या कुछ और होता, क्रिया होती, तो आप अपने शहर में करवा सकते थे सर्विस। हाँ, उन्होंने पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिया है। अच्छा, तो जब मैं गाड़ी चाहूंगा सर्विस कराना तो दे'ल पिक एंड ड्रॉप। तो आपको लगता है कि पिक एंड ड्रॉप से वो सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, जैसे गाड़ी में क्या हुआ क्या नहीं लोग देखना पसंद करते हैं? बट सर एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आप गाड़ी मेंटेन करेंगे ना तो आपको खुद पता होता है कि गाड़ी में क्या काम होना है क्या नहीं होना है। जनरली एक्स्ट्रा वर्क की जॉब आती नहीं है, और जो मैंडेटरी जॉब्स होती हैं वो कंपनी हमेशा करती है। अच्छा, करती ही करती है। तो अभी अगर आप हाईवे पर थे इसे लेके, वहाँ पर ओवरटेकिंग वगैरह किया होगा, हाईवे का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा, तो वहाँ पर कैसा रहा है पूरा? सर, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे जनरली होता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में, ये होता है कि आपको अगर एकदम एक्सेलरेशन चाहिए सो यू प्रेस द पेडल हार्ड एंड एक गियर शिफ्ट डाउन होता है एंड इट रन्स। बट इसके केस में क्या है कि जहाँ से जिस भी गियर में गाड़ी होती है उसी गियर में गाड़ी उठना शुरू कर देती है, सो वो एक इशू नहीं है कि आपको एक्सेलरेशन का इशू आएगा। टर्बोचार्ज इंजन्स का बहुत अच्छा एडवांटेज यही है कि 150 bhp आपको कहीं ना कहीं इसमें महसूस देता है कि हाँ, इसमें इतना पावर है। अच्छा, तो अभी जब आप सिटी में चलाते हो, आपके पास में DSG गियर बॉक्स इसमें दिया गया है, तो सिटी कंडीशन में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये अपना पर्पस पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है, तो कहीं हीटिंग का इशू आएगा नहीं। जैसा जनरली दूसरे कॉम्पिटिशन की गाड़ियों में फेस हुआ है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि DSG गियर ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जो है उन गाड़ियों में
वो हीटिंग का इशू करता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, बट इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है। फीचर्स में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लग रही हैं अपनी इस गाड़ी में? इसके अंदर एक वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है, वो एक अच्छा फीचर है, और मेरे को इसका टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और जो कुछ आप बोलना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया हो दूसरों ने ना किया हो, खास करके एक टिप्स जानना चाहूंगा, माइलेज आप कैसे इतना बेहतरीन हासिल करते हो? क्योंकि अमूमन लोग कंप्लेन करते रह रहे हैं कि भैया उनको 9-10 से ज्यादा माइलेज नहीं मिल रहा है इस गाड़ी से। सर एक्चुअली होता क्या है कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के साथ ना लोग क्या करते हैं, पहले पूरा एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे, फिर जब स्पीड अचीव हो जाती है फिर एक्सेलरेटर को रिलीज करना शुरू करते हैं। उससे एक चीज ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो लोग कॉन्स्टेंट रखें एक्सेलरेटर को, ना कि अप एंड डाउन करें, तो उस केस में गाड़ियां माइलेज बहुत अच्छा देंगी। तो इसके बाद में अभिषेक के पास अब कौन सी गाड़ी आने वाली है, क्या खरीदने वाले हैं अभिषेक भाई, जिसके साथ मैं कस्टमर रिव्यू करूंगा, क्योंकि अब तो आपका चेहरा भी लोग पहचानने लगे हैं। अभी सर ऐसा कोई गाड़ी मैंने अभी सोचा नहीं है कि कौन सा लूंगा मैं, बट अभी एटलीस्ट 3 इयर्स तो है मेरे पास कोई न्यू कार के लिए। अच्छा एक चीज बताना, अब आप फेडअप हो रहे हो क्या इलेक्ट्रिक से? नहीं फेडअप नहीं हो रहे, बट वो सिटी के अंदर अपना चलता है, मेरा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मेरे फादर आते जाते हैं उसके अंदर। क्योंकि जो इसके पहले वाले इंटरव्यू में आप जज्बा दिखा रहे थे उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं से एक डाउन दिख रहा है। हाँ बट काफ़ी चीज़ें रेक्टिफाई हो रही हैं और होती हुई भी हैं पीछे और होती आ भी रही हैं, तो मेरे को उतना बड़ा इशू लग नहीं रहा इलेक्ट्रिक के साथ आएगा। देखो ऐसा लग रहा था कि आपके पास 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होगी, लेकिन एक डिलीट हो गई, एक ही रह गई, एक ही रह गई। आपके पास पेट्रोल पे आप फिर से शिफ्ट कर गए, उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे आप कभी पेट्रोल नहीं चलाओगे, आपके मतलब बातों से लग रहा था। तो ऐसा मतलब अभी लग रहा है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक का बसेगा या अभी पेट्रोल डीजल के सहारे ही हमें जीना है? और सर मेरा मेरा शायद जो अगला फोकस होगा दैट विल बी अ हाइब्रिड कार। ओके, मुझे एक हाइब्रिड कार लेना होगा जिसको मैं लॉन्ग रन और सिटी रन दोनों में इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा तो आप ऐसा करने वाले हैं, तो अगली गाड़ी कौन सी आने वाली है जिसमें हम मिलेंगे? अभी सर वही मैंने जैसे पहले बताया अश्योरेंस नहीं है, आई विल बी लुकिंग फॉर फर्दर ऑप्शंस, क्योंकि कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। अच्छा कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए। तो ये अभिषेक जी हैं जिनको कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए, गाजियाबाद में रहते हैं, गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं, और तीसरा कस्टमर रिव्यू उनके साथ था जो अभी आप देख रहे हैं ये वाला, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कुशाक में कुछ और चीज़ें रह रही हैं मैं फिर देख लेता हूँ। हाँ इसमें आपको एसी का कंफर्ट कैसे मिल रहा है, फिर वीडियो खत्म करेंगे। एसी का कंफर्ट अच्छा है, अभी सर्दियाँ हैं तो कुछ नहीं ज़्यादा बता सकते, बट फिर भी सर और एसी का भी होता है कि आपको ना मेंटेन करना होता है एसी को भी। लोग जनरली क्या करते हैं, ब्लोअर फैन को फुल कर देंगे, टेम्परेचर को बिल्कुल लो डाउन कर देंगे, उससे बेहतर है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करें, जितना आपको रिक्वायर्ड है ब्लोअर फैन उतना लें और जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उतना लें। ओके, अननेसेसरी एसी के ऊपर भी लोड ना डालें, जिससे आपका माइलेज भी घटेगा और इन फ्यूचर एसी की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती है। ओके, तो ये थे अभिषेक भाई, बहुत सब कुछ पूछ लिया है, कुछ रह गया है तो फिर से पूछ सकता हूँ। आप क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd, जो आपको अभिषेक से सवाल करना है उसका जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और अभिषेक भैया को बोलते हैं राम राम। ठीक है भाई, थैंक यू।